दोस्तों लगभग 10 साल के बाद एक बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर के लोग स्टेट असेंबली इलेक्शंस में वोट डालने जाएंगे। इस इलेक्शन के जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू एंड कश्मीर एज ए स्टेट के लिए काफी ज्यादा मायने हैं। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जम्मू एंड कश्मीर में यह पहला इलेक्शन है और यह इलेक्शन 3 चरणों में 3 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जम्मू एंड कश्मीर के पावर डायनेमिक्स, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और वहां पर इवन जो सीट्स हैं, सीट एलोकेशन है, उसमें भी काफी चेंजेस आए हैं। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू उन्हीं सारे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जम्मू एंड कश्मीर को क्या क्या फायदे हुए, क्यों आर्टिकल 370 का हटना जम्मू एंड कश्मीर के लिए जरूरी था। तो ये मुद्दा लगातार न्यूज में क्यों बना हुआ है? तो पहला जो फेज है स्टेट असेंबली इलेक्शंस का वो शुरू हो चुका है और ये इलेक्शन आर्टिकल 370 के बाद से पहला इलेक्शन है जो घाटी में हो रहा है। आर्टिकल 370 का क्या मतलब था, आर्टिकल 370 को लेकर लगातार हमने घाटी में, कश्मीर वैली में क्यों प्रोटेस्ट देखे, क्यों एजिटेशन होता था, उसके बारे में यहां जानते हैं। तो आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था, उसका स्पेशल स्टेटस गारंटी करता था। इट अलाउज द स्टेट असेंबली टू मेक इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब स्टेट असेंबली जो है वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत का संविधान जो है वो जम्मू और कश्मीर में अप्लाई नहीं होगा, स्टेट असेंबली अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकती है, बना सकती है। साथ ही साथ ये स्पेशल स्टेटस जो है वहां के लोगों को काफी सारे राइट्स ऐसे देता है जो कि भारत के बाकी नागरिकों से इतर है, जैसे कि वो स्टेट के रेजिडेंट्स को सिटीजनशिप से रिलेटेड अलग से सिटीजनशिप के राइट्स देते हैं, साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल राइट्स अलग से देते हैं और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के राइट्स देते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में अगर भारत का कोई और नागरिक चाहता कि वो प्रॉपर्टी ले ले तो वो प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकता था, क्योंकि किसी भी और स्टेट के नागरिकों को, रेजिडेंट्स को ये राइट नहीं था कि वो जम्मू और कश्मीर में प्रॉपर्टी परचेज कर सके। साथ ही साथ सेंटर जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 360 के अंतर्गत कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा सकता। आर्टिकल 370 के बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 370 का ड्राफ्टिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर एन गोपालस्वामी एंगर जी ने किया था। इट वॉज अ टेम्परेरी प्रोविजन विच वॉज ड्राफ्टेड इन 1949 और इसका जो ड्राफ्टिंग की गई थी वो महाराजा हरि सिंह ने, जो टर्म्स एंड कंडीशन थी महाराजा हरि सिंह के सामने फॉर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जब पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी फोर्सेस ने कश्मीर में इन्वेड कर दिया, तो महाराजा हरि सिंह ने एक प्रस्ताव रखा भारत सरकार के सामने कि भाई हम अपना टेलीकम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस आपको सौंपते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया था और इसके बाद भारत सरकार ने, भारतीय फौज ने उनकी मदद की थी जिससे कि वो पाकिस्तानी फोर्सेस से बच सके। ऑन ऑगस्ट 2019 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवोक द स्पेशल स्टेटस। तो यही जो स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 देता था उसको 6 अगस्त 2019 को हटा लिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया कि हमें यह हटाना है, जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी छीन ली गई और सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 11, 2023 को यूनैनिमसली यह डिसीजन लिया, अपहेल्ड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू अब्रोगेट आर्टिकल 370, की प्रेसिडेंट के पास ये सारे के सारे पावर्स हैं कि वो आर्टिकल 370 को हटा सकते हैं, लीडिंग टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू 2 यूनियन टेरिटरीज। 2 यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर की गई, वन वॉज विद द लेजिस्लेचर एंड वन वॉज विदाउट लेजिस्लेचर। तो इसमें लद्दाख जो था वो विदाउट लेजिस्लेचर था और जम्मू एंड कश्मीर जो बनाया गया वो विद लेजिस्लेचर बनाया गया। द अमेंडमेंट, इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हमें करने पड़े। द अमेंडमेंट वॉज मेड टू द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारे के सारे स्टेट्स और यूटीज की लिस्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम नई 2 यूटीज बनाएंगे या एक स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करेंगे तो हम फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस करेंगे। साथ ही साथ आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया या बाउंड्री से रिलेटेड है, उसमें भी चेंजेस किए गए, क्योंकि हमने जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया, कन्वर्ट किया, उसका नेचर कन्वर्ट किया, तो इस वजह से हमने आर्टिकल 3 में भी चेंजेस किए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है और ये दूसरा वाला एरिया जो हमारा है वो लद्दाख का एरिया है। तो इसकी वजह से, रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से, जम्मू एंड कश्मीर में जो सीट्स हैं स्टेट असेंबली की, उसमें भी चेंजेस आए। जहां पर पहले 111 सीट्स हुआ करती थी उसमें से 24 सीट्स अगर हम देखें तो वो पीओके वाले रीजन की है, क्योंकि हम पीओके को भी अपना ही पार्ट मानते हैं, तो हमने रिजर्व करके रखी है 24 सीट्स।
बची हुई 87 सीट्स जो हैं, बची हुई 87 सीट्स में जो 46 सीट्स हैं, 46 सीट्स हैं वो कश्मीर में आती थी, 37 सीट्स हमारी जम्मू में आती थी और साथ ही साथ 4 सीट्स लद्दाख में आती थी। तो इफ यू एड दिस, अगर आप इसका सम निकालें तो 46 प्लस 37 इज 83 प्लस 4 87, तो कुल मिलाकर के ये 87 सीट्स थी। इसके अलावा जो 24 सीट्स थी वो पीओके वाले रीजन की थी, इनको बढ़ा करके 90 कर दिया गया। अगर हम 4 सीट्स लद्दाख की हटा दें क्योंकि वो अलग यूटी बन चुका है, तो इनको बढ़ा करके जो 83 सीट्स हमें यहां पर देखने को मिल रही हैं, इनको बढ़ा करके 90 कर दिया गया है, जिसमें जो जम्मू वाला रीजन है, जो जम्मू वाला रीजन है इसको हमने, इसमें हमने 6 सीट्स का एडिशन किया है, और जो कश्मीर वाला रीजन है इसमें हमने 1 सीट का एडिशन किया है। तो कुल मिलाकर अब 90 सीट्स हैं जिन पर इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है। ये क्यों किया गया, इस पर एक डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया 2020 में, उसका नोटिफिकेशन आया 2022 में, और उसके हिसाब से हमने 6 सीट्स जम्मू में बढ़ा दी और 1 सीट कश्मीर में बढ़ा दी, जिसकी वजह से आज हमारे सामने 90 सीट्स हैं। इन सारी, ये जो कलर्ड पार्ट है आपका, इन सारी सीट्स में अब इलेक्शन कंडक्ट किया जाना है। आप अगर इस टेबल को देखें तो देयर आर इन टोटल 90 सीट्स जिन पर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाने हैं। अब आर्टिकल 370 के अब्रोगेट होने की वजह से, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने की वजह से, असेंबली के, स्टेट असेंबली के पावर्स और एलजी के पावर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए इसके बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 370 के अंदर बिफोर इट्स एब्रोगेशन द इंडियन पार्लियामेंट हैड लिमिटेड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, तो इंडियन पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकता था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, बट उसके बाद जब एब्रोगेट कर दिया गया, द सेंटर्स लॉ मेकिंग पावर्स वर एक्सटेंडेड टू इंक्लूड सेवरल सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो है उसमें, उसके कई सारे पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए गए। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उसने ज्यादा, काफी ज्यादा गवर्नेंस स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए। वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में चेंजेस क्या है कि एलजी को ज्यादा पावर दे दिए गए ओवर स्टेट असेंबली। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 32 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, जो कि ये बोलता है कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द असेंबली स्टेटिंग दैट द सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द लेजिस्लेटिव असेंबली मे मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट एंट्री 1 एंड एंट्री 2। एंट्री 1 और एंट्री 2 किस चीज से रिलेटेड है, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। तो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के जो राइट हैं वो किसको दे दिए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए गए। एंड ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल एज एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स कैन लेजिस्लेट ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट्स अपना लेजिस्लेशन पास कर सकते हैं, यूटीज पास नहीं कर सकती हैं। तो चूंकि जम्मू एंड कश्मीर यूटी है तो इस वजह से वो अपना लेजिस्लेशन पास नहीं कर सकती। स्टेट भी तभी लेजिस्लेशन पास कर सकते हैं जब उनका पास किया हुआ लेजिस्लेशन कॉन्फ्लिक्ट में ना हो विद द सेंट्रल लॉज, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 36 है जो कि सिग्निफिकेंट कंडीशन, फाइनेंशियल बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव्ड इन द असेंबली विदाउट एलजीज रिकमेंडेशन। किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बिल लेफ्टिनेंट गवर्नर के रिकमेंडेशन के बगैर असेंबली में मूव नहीं किया जा सकता इफ दे पर्टेन टू अमेंड द लॉ ऑन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो एलजी की इच्छा के बगैर, एलजी के रिकमेंडेशन के बगैर, एलजी से सुझाव लिए बगैर किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बिल असेंबली में पास नहीं किया जा सकता। इट इज अ ब्रॉड क्लॉज एज मोस्ट पॉलिसी डिसीजंस कुड एंटेल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। भाई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, अधिकतर गवर्नेंस या अधिकतर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में ही तो आता है। तो इन सारे के सारे डिसीजंस के लिए आपको एलजी के पास जाना पड़ेगा। तो अब एलजी साहब को क्या, अब हमें सेम प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है दिल्ली में भी, इसीलिए दिल्ली इज आल्सो आस्किंग फॉर स्टेटहुड। तो एलजी साहब को यहां पर क्या क्या पावर्स दिए गए, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है डिलिनेट्स पावर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन सेक्शन 53 पावर्स रिगार्डिंग मैटर्स आउटसाइड लेजिस्लेटिव असेंबली पावर। जितने भी पावर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर के बियॉन्ड है वो सारे के सारे पावर उठा करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिए गए। इसके अलावा डिस्क्रिशनरी एंड जुडिशियल फंक्शंस, एलजी मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिशन और एक्सरसाइज जुडिशियल फंक्शंस एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो एलजी किसी भी तरीके के जुडिशियल फंक्शंस को अपने डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से परफॉर्म कर सकता है।
ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एंटी करप्शन ब्यूरो हैज बीन गिवन टू एलजी की एलजी के रिकमेंडेशन के बगैर किसी भी तरीके का मैटर किससे रिलेटेड एंटी करप्शन ब्यूरो से रिलेटेड और ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड वो टेकअप नहीं करेगी असेंबली खुद. दिस अरेंजमेंट प्लेसेस सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन एलजीज हैंड्स एक्सटेंडिंग बियॉन्ड जस्ट पब्लिक ऑर्डर इन पुलिस टू इंक्लूड द ब्यूरोक्रेसी एंड एंटी करप्शन मेजर्स. सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड पावर्स किसको दे दिए गए एलजी से रिलेटेड. तो जब करप्शन से रिलेटेड सारे के सारे पावर्स एलजी को दे दोगे आप डिसाइड करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है ब्यूरोक्रेसी किसको सेटिस्फाई करने में लग जाएगी एलजी को. तो एलजी का पावर अपने आप बढ़ता चला जाएगा एलजी की पोजीशन अपने आप स्ट्रांग होती चली जाएगी. एडिशनली द एक्ट स्टिपुलेट्स दैट एनी डिसीजन बाय एलजी टू एक्ट एज एट हिज डिस्क्रिशन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट. एलजी का जो डिसीजन है उसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है. नॉर कैन द एडवाइस गिवन बाय मिनिस्टर्स और कैन बी एडवाइस गिवन बाय मिनिस्टर्स टू द एलजी बी क्वेश्चन्ड लीगली राइट. उसके अलावा दिस ब्रॉड डिस्क्रिशन ऑल्सो इंक्लूड्स रीसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस दैट एम्पावर द एलजी टू अपॉइंट द एडवोकेट जनरल लॉ ऑफिसर्स एंड इन्फ्लुएंस डिसीजंस ऑन प्रोसिक्यूशन एंड सैंक्शंस. तो एलजी के पास ही पावर है एडवोकेट जनरल चुनने का एलजी के पास ही पावर है लॉ ऑफिसर्स चुनने का. तो एलजी को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी दे दिया गया एलजी को एग्जीक्यूटिव कंट्रोल भी मिला हुआ है एलजी को ज्यूडिशरी का भी कंट्रोल काफी हद तक मिला हुआ है. 370 को हटाने के क्या क्या इंपैक्ट वैली पर पड़े हैं. वैली में लगातार अगर हम देखें तो हिंसा में कमी आई है वायलेंस कम हुआ है. अगर हम इस टेबल को देखें तो टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट्स जो हैं 765 से उनका नंबर घट करके 455 हो गया है. मतलब टेररिज्म भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है. साथ ही साथ सिविलियंस पर जो अटैक होते थे सिविलियंस पर लगभग सिविलियन अटैक्स 193 होते थे. अगर मान लीजिए 193 नंबर था तो वो घट करके 156 हो गया है. सिविलियन कैजुअलिटीज मतलब सिविलियंस की नागरिकों की आम नागरिकों की मौत जो है 234 से घटके 131 हो गई. तो मतलब आधी हो गई है लगभग. जो इंजरीज होती थी सिविलियंस को 1300 से घटकर 422 हो गई है क्योंकि अब टसल कॉन्फ्लिक्ट कम होता है. एनकाउंटर्स 390 से घटकर 338 हो गए हैं. सिक्योरिटी फोर्सेज में जो इंजरीज होती थी वो 1098 से घटकर 334 हो गई है. और सिक्योरिटी फोर्सेज जो मारे जाते थे जो शहीद हो जाते थे वो 355 से घटकर 125 पर आ गए. साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हुआ है. इन्वेस्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर जा रहा है. जम्मू एंड कश्मीर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. इससे रिलेटेड प्रधानमंत्री ने कई सारे पैकेजेस भी लाए हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम. ये स्कीम्स लगातार जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन को इंप्रूव करेंगी. अगर जम्मू एंड कश्मीर की रेवेन्यू रिसीट की बात करें हम तो जम्मू एंड कश्मीर की रेवेन्यू रिसीट में देखिए आप किस तरीके से शार्प शूटअप हुआ है. मतलब किस तरीके से वो ऊपर लगातार बढ़ती चली जा रही है. तो इसका मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से काफी ज्यादा फायदा हुआ है. आप सभी जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इज कंसीडर्ड एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया और द हेवन इन इंडिया. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर कई सारे अमीर खुसरो की कविताएं आपने सुनी है, घर फिरदौस बर्रुए जमीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त. तो इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन भी रहा करता था. बट लगातार आतंकवाद के बढ़ने की वजह से लगातार टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ने की वजह से टूरिज्म में बहुत मेजर डाउनफॉल आया था. बट इधर आर्टिकल 370 के हटने के बाद से और सेना के डिप्लॉय होने के बाद से टूरिज्म में भी लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है. तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज सीन 1.62 करोड़ टूरिस्ट इन 2022 द हाईएस्ट इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिया की आजादी के बाद 75 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जम्मू एंड कश्मीर को विजिट करने के लिए गए हैं. यहां पर एक मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए कि एनालाइज द की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस शेड्यूल्ड फॉर 2024. डिस्कस हाउ दीज इलेक्शंस माइट इंपैक्ट द गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन द रीजन. तो इस क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट करें. इट विल हेल्प यू इन योर मेंस प्रिपरेशन एज वेल. सो दिस वॉज आर डिस्कशन रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस. उन पर आर्टिकल 370 का क्या इंपैक्ट होगा, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का क्या इंपैक्ट होगा. थैंक यू सो मच.